नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन के बारे में बताऊंगा। यह मेट्रो स्टेशन आपका ग्रीन लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो पर स्थित है और यह मेट्रो स्टेशन आपका वेस्ट दिल्ली के अंदर पड़ता है। इस मेट्रो स्टेशन की शुरुआत आपकी 24 जून 2018 को हुई थी और दिन भर में कम से कम 7 से 8 हज़ार लोग इस मेट्रो स्टेशन का यूज़ करते हैं। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन पर 2 प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको मेट्रो मिलेगी सिटी पार्क की तरफ, प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आपको मेट्रो मिलेगी इंदरलोक कीर्ति नगर की तरफ। अगर आपको रेड लाइन और ब्लू लाइन के ऊपर जाना है तो आपको इंदरलोक कीर्ति नगर पे जाना होगा, वहां से आपको मेट्रो पकड़नी होगी। इस मेट्रो स्टेशन में पार्किंग की सुविधा अवेलेबल नहीं है तो अपने आप कार और गाड़ी पार्क नहीं कर सकते यहाँ पर। इस मेट्रो स्टेशन पे आपको एटीएम की सुविधा मिल जाएगी, जहां पर आपको एटीएम मिलेगा एचडीएफसी बैंक का और येस बैंक का, जहां से आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एग्जिट गेट के बारे में। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन का एक ही एग्जिट गेट है, गेट नंबर 1, और वहां से आप बाहर निकलेंगे डीडीए फ्लैट भक्कड़वाला की तरफ, मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ, लोक नायकपुरम की तरफ। अब हम बात करेंगे फर्स्ट और लास्ट मेट्रो के बारे में। फर्स्ट मेट्रो जो आपको सुबह सुबह मिल जाएगी मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया से, वो आपको मिल जाएगी 6:32 पे। जो लास्ट मेट्रो मिलेगी वो 10:02 पे आपको मिल जाएगी वहां से। अब हम बात करेंगे फैसिलिटीज के बारे में। इस मेट्रो स्टेशन पे फायर कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है, आपका स्टेट एजेंट है, आपका मेट्रो कार्ड वेंडिंग मशीन है जहां से आप टोकन वगैरह निकाल सकते हैं। अगर आपको इस मेट्रो स्टेशन से राजीव चौक जाना है तो आपको यहां से मेट्रो पकड़नी पड़ेगी ग्रीन लाइन, और आपको अशोक पार्क मेन पे चेंज करना पड़ेगा। अशोक पार्क मेन से आपको भी ग्रीन लाइन पकड़नी पड़ेगी जो आपकी कीर्ति नगर की तरफ जाती है, कीर्ति नगर से आपको चेंज करना पड़ेगा और आपको मेट्रो पकड़नी पड़ेगी ब्लू लाइन पे जो आपकी कीर्ति नगर से राजीव चौक जाती है। टोटल जो आपका टाइम लगेगा मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया से राजीव चौक पहुंचने का, वो आपके 57 मिनट लगेंगे। जो आपका फेयर लगेगा मेट्रो का, वो ₹50 आपका लगेगा। दोस्तों अगर आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।